मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, आपको उसका क्वेश्चन दिया था। अगर नहीं बना तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और बन गया तो भी देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो इस वीडियो में उसका एग्जांपल मतलब बताया था और बोला था कि ये इसके बारे में बताएंगे, तो बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द आरएफ ऑफ, इसका आरएफ निकालना है। सीधा सीधे बोले थे रैशनलाइजिंग फैक्टर। अरे यार क्या हुआ, इंक चल चल, इसका आरएफ निकालना है तो इसका निकालते हैं। तो इस यहाँ पर भी अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एक ए समझने के लिए एक मान लेते हैं इसको और बी मान लेते हैं। यहाँ पर से हमको क्यू को हटाना है। अगर क्यू को हटा देंगे और यहाँ पर सिर्फ वन बचेगा तो क्या ये सिर्फ टू हो जाएगा, और टू रेशनल नंबर है। और यहाँ पर अगर ये पावर को हटा दें तो टू बचेगा, तो अगर टू और टू को जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर। यानी कि हमको सिर्फ क्यू को हटाना है, तो क्यू को कैसे हटाएंगे? अगर इधर क्यू चढ़ाएंगे तो इधर भी क्यू चढ़ेगा, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट गुना हो जाएगा। अगर ए टू दी पावर बी है और उस पर ए भी पावर सी है तो ए टू दी पावर बी सी हो जाता है, इंक बी सी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्यू चढ़ गया तो यहाँ पर इन टू है तो ये और ये कट जाएगा, टू टू दी पावर वन बच जाएगा। यहाँ पर क्यू चढ़ाएंगे, यहाँ पर क्यू चढ़ाएंगे, तो इधर भी क्यू चढ़ाएंगे। तो इसी के कारण ये भी कट जाएगा, तो बी बराबर टू टू पावर माइनस वन यानी वन बाई टू। तो ये भी रेशनल नंबर आ गया और ये भी रेशनल नंबर आ गया, टू और वन बाई टू। तो इसको जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका रेशनल फैक्टर कैसे ढूंढें, ये तो पता चल गया कि क्यू है। तब आगे देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला एक आता है क्यू से रिलेटेड, एक ए क्यू प्लस बी क्यू, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसको लिख देते हैं, रुकिए। तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ए क्यू और बी क्यू का पहले वैल्यू निकाल चुके थे, जो ए क्यू का वैल्यू आया था टू और बी क्यू का वैल्यू आया था वन बाई टू, तो यानी ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर लिख सकते हैं। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। टू प्लस टू फोर, वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन बाई टू बाई फोर। इसी तरह से ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लिख भी सकते हैं, लिख ही देते हैं, टू प्लस अभी इंक भर गया है तो वन बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू फाइव बाई टू हो जाएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए किसको माने थे, ए माने थे टू टू दी पावर वन बाई थ्री, और बी किसको माने थे, टू टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री। तो ए प्लस बी यानी ये वैल्यू देन है, और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, उससे क्या गुना करें, उससे क्या गुना करें कि रेशनल नंबर आ जाए। ये रेशनल नंबर है, ये फाइव बाई टू रेशनल नंबर है, और ए प्लस बी दिया हुआ है। इसको लिख देते हैं, टू टू दी पावर वन बाई थ्री प्लस टू टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इससे गुना किए तो ये एक रेशनल नंबर आ गया। तो इसको हम रेशनल फैक्टर कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। ए प्लस बी, फिर से समझिए, ए क्यू बी क्यू लगाएं तो ए का क्यू निकालें टू आ गया, बी का क्यू निकालें वन बाई टू आ गया। ये पीछे हम बता चुके हैं टू और वन बाई टू कैसे आया, और बाई फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते तो फाइव बाई टू आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू देल है, तो ये रेशनल नंबर देल है, और ये रेशनल नंबर
दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है नंबर का। अब आपको सिर्फ रेशनल फैक्टर निकालना है, तो निकाल तो गया, और क्या चाहिए। ए का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो आइए पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए किसको माने थे, 2^1/3 को, इसका होल स्क्वायर माइनस ए बी 2^1/3। अरे यार, 2^1/3 (-1/3) और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर तब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट गुना हो जाएगा, तो 2^2/3 हो जाएगा। माइनस अगर दो, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होता है, तो 2+1/3 प्लस -1/3। स्केच खराब हो गया, सॉरी नहीं दिख रहा था, फिर से बता देते हैं। 2^2/3 आ जाएगा, यहाँ से एक्सपोनेंट गुना होके यहाँ पर आ जाएगा, और ये जब बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो बेस सेम है एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए 2^2। इसका स्केच खराब हो गया है, 2^1/3 प्लस -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 -1/3 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा उस, और ये और 2^-1/3 को लिख सकते हैं 2^-2/3। कैसे लिखें, क्योंकि ये दोनों गुना हो गया, तो 2^-1/3 (-2)-2/3। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब तो सॉल्व हो गया, 2^2/3 -1/3 -1/3 कट जाएगा तो वैल्यू 0। 2^a^0 इज ऑलवेज 1, कुछ भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो तो वो 1 आएगा। और यहाँ पर क्या था, प्लस ए भी था, सॉरी प्लस ए भी था, प्लस 2 (-2/3 और ये आंसर हो गया। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।